ऊपर वाले का शुक्रिया निहान, माय डियर। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। निहान हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। ऐसी कौन सी बात थी कि तुम मुझे फोन पर नहीं बता पाई? कहाँ थी तुम? तुम्हारे पापा भी बता नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। आप परेशान हो जाती इसलिए कुछ नहीं बताया। मुझे किडनैप किया गया था। क्या? कैसे किडनैप हुआ था का क्या मतलब है? एमिर को पता है इस बारे में? बताओ मुझे निहान। हाँ उसे सब पता है। हाँ मुझे पता था। हमने सीक्रेटली सब सुलझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने अपनी चाल पहले ही चल दी। क्या कोई बताएगा मुझे आखिर हुआ क्या है? शांत हो जाओ, हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आपको जितना पता है उससे कई ज्यादा बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या पता है और किससे पता है? हम लोग भी वही थे अमीर, यहाँ हम लोग के साथ आई है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेहतर होती जा रही है। आप किसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं मिस्टर ऑन्डर? ये क्या हो रहा है? मैं किडनैप हुई थी और मुझे केमाल ने बचाया था। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे भाई ने आपको आपके पति से पहले बचा लिया। मैं तो इस सब पर सिर्फ आपको कंग्रेचुलेशन ही कह सकती हूँ। शट अप, शट अप ज़ैनब। केमाल ने तुम्हें खतरे में डाला था, तुम मर सकती थी। मैं अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था। लेकिन तुम लेट हो गए थे। लगता है आप जोश में होश खो बैठे थे, लेकिन आप मेरे खिलाफ गए और मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुमसे पूछा था कि निहान कहाँ पर है, तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाई। तो क्या मैं सबको बोलकर निहान की जिंदगी को खतरे में डालता? तुम्हें इसका हक नहीं दिया मैंने। निहान से हर जुड़ी बात मेरी बात है। बस हो गया। बिल्कुल उसकी वजह तुम ही हो। हमारी किसी से क्या दुश्मनी? दुनिया जान में दुश्मनी करते फिरते हो और भुगतना किसे पड़ता है? निहान को और हमारी फैमिली को। ये सब तुम्हारी गलती के बारे में ही है। वो मेरा दुश्मन नहीं था। बस हो गया, बस हो गया। ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी। लेकिन तुमने हमें ये सब गाड़ी में क्यों नहीं बताया? देखिए मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो। मुझे कुछ देर आराम करने दीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। रुको ऑन्डर, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि क्या हुआ था अभी? मुझे भी कुछ नहीं पता बिल्दान। उजान क्या मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा? मेरे साथ चलो। क्या इस घर में कभी कोई पूरी बात नहीं बोलता? कल बात करते मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी बहन को मरने से बचाया है? ज़ैनब ऐसी टेंस सिचुएशन में भी तुम अपनी जासूसी बातों से मुझे हंसा देती हो। मुझे तब देखना जब मैं इस घर को समझने लगूंगी। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना? क्या तुम सब लोगों के सामने ये कहने वाले थे कि मुझे किडनैप किसने किया है या मैंने कुछ गलत सुना है? मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं दिखता हूँ और तुम ये जानती हो। सच में क्या सोचकर तुम मेरे सामने ये सब बोल सकते हो? तुमने एक आदमी को जेल से भगाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है तुम इन सब चीजों से बच जाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने बस हमें बचाना चाहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ? हाँ मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहले भरोसा नहीं था लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे किस बात पर भरोसा है। जब तुम केमाल के साथ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी तब मैंने अपने आदमी को भेजा। मैंने सोचा इतने साल बीत चुके हैं तो क्यों ना साथ बैठकर एक कॉफी पी जाए। पता है मुझे ये सब करना पड़ा। तुम एक घटिया इंसान हो, तुमने एक बेकसूर को मार डाला है। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। कैरन को मैंने नहीं मारा, मैंने जिस आदमी को उसे लेने भेजा था वो उसे नहीं ला पाया और उसने कैरन को मारा। उसकी मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन बाद में मुझे वो बात छुपानी पड़ी और वो भी तुम्हें बचाने के लिए। और आखिरी बार कैरन ने जिसे कांटेक्ट किया था पता है वो कौन है? मेरी खूबसूरत बीवी। तो उसे किसने मारा?
यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सोइडर भाइयों में से एक था, तारिक सोइडर। अरे अच्छा केमाल, प्यार के लिए क्या तुम गोली खाने को भी तैयार हो जाओगे? लगता है साली ने आपको सब कुछ बता दिया है ना? बातें बदल कर छुपाओ मत, तुमने सही सुना। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं बिना सोचे खा लूंगा, पर मैं उसे ऐसे प्यार नहीं कर सकता। आप सही कर रही हैं, लेकिन मैंने ना अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। मैं क्या कह रही हूं और ये क्या समझ रहा है? तुम खतरों से नहीं खेल सकते हो, और वो भी यही कर रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? इतने पागल कि तुम निहान को माफिया से अकेले ही बचाने निकल गए? मैं हो गया हूं पागल, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। निहान तुम्हारी पहली वीकनेस है। जब उसे पहली बार देखा तो खुद को उसके हवाले कर दिया, और ये दिखाता है। ये बात सच है लैला, तब वो शादीशुदा नहीं थी, उसकी उंगली पर वो अंगूठी नहीं थी। मैंने किस किया उसे? एकदम बेकाबू हो गया था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फिर से मेरे पास लौट आई है। मैं डर गया था लैला, बहुत डर गया था। मुझे लगा वो मर जाएगी, उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा मैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी है ही नहीं। मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ये गलती हो गई। मैं क्या कर रहा हूं लैला? वो मेरी नहीं है, नहीं है वो मेरी। मेरी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो? क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ खुलेआम कहीं नहीं जा सकते, एक दूसरे को हर सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते, और एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अपने प्यार को मंजूर करना होगा, ये तुम्हारा फैसला है। देखो केमाल, तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा, ये दुनिया का फैसला नहीं है। तुम ऐसा करोगे? बोलो, करोगे ना? मैं नहीं कर सकता। मैं जानती हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं इस प्यार से तब तक भागता रहूंगा जब तक निहान उसकी शादी खत्म नहीं कर लेती है। मैं भागता रहूंगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से मार दिया। मैंने उसे वार्निंग दी है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को ही नहीं बल्कि तुम्हारे एक्स के भाई को भी बचा रहा हूं। अगर ये कोई ट्रिक है तो इसका मतलब है कि मैं सबको बेवकूफ बना रहा हूं। तो कौन जीता? फिर से मैं ही जीता। तुम हमेशा सवाल पूछती रहती हो, तो मुझे ये बताओ कि केमाल उस गाड़ी में क्या कर रहा था? एक काम करो, जाने दो, मैं वही एक सवाल सुन सुन कर बोर हो चुका हूं। मैं ये सब तुम्हारे साथ रहकर सुलझा नहीं पाऊंगा। हमेशा ही एक अच्छी चॉइस होती है, जैसे कि वो केमाल। एमिर, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, सीधे बोलो। तुम मेरे लिए खास हो, और उसके भाई बहन उसके लिए। बिल्कुल नहीं। क्या कहा? मैं तारिक को बचा रहा हूं, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो निहान। तो मैं बस तारिक को बचाना बंद कर दूंगा और बाकी सब केमाल के ऊपर छोड़ दूंगा। एमिर, केमाल हर वो मिनट जो तुम्हारे साथ बिताता है उसके लिए पछताएगा। अगर मेरे सब्र का इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो
ये मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। माना कि केमाल गलती कर रहा है, लेकिन वो उससे प्यार करता है और यही सच है। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल करना होगा। तुम देखना, और अगर तुम उस पल भी उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें समझेगा। तुम्हें बस इंतजार करना होगा। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैं और सब्र नहीं रख सकती, और ना ही केमाल को इस तरह बर्बाद होते देख सकती हूँ अंकल। तो ये बताओ कि तुम करोगी क्या? मेरे पास एक आइडिया है, कम से कम एक उम्मीद। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। बीप के बाद मुझे इतना याद करती हो कि मुझे देखे बिना तुम रह नहीं सकती। अब देख लिया ना तो चली जाओ। अरे बेचारी, तुम्हें यहां सोना पड़ रहा है। हाँ ठीक कहा, मुझे यहां सोना पड़ रहा है क्योंकि निहान मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती। वो मुझसे नाराज है, वो गुस्सा है कि मैं उसे छूता तक नहीं हूं। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं, लेकिन तुमने उस बेवकूफ ओजान से शादी कर ली। तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? तुम दिन में भी सपने देखते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूं। क्या मैं तुम्हें यहां से निकालूं कि तुम खुद चली जाओगी? बहुत जल्द तुम मेरी आंखों में देखकर कहोगे कि बस हो गया ज़ैनब। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और मुझसे तुम्हारे साथ रहने के लिए भीख मांगोगे। क्या तुम भी दिन में सपने देखती हो? पता है तुम्हें एक बुरा सपना हो, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम बस मेरी ही तरह बनती जा रही हो,
तुमने मुझसे जो सीखा है वो काम आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है। तुम ये सब खुद ही देखोगे। मैंने जो कहा उसे कभी भूलना मत एमर। लैला, मैं जरा आंसू को मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आओ बैठो। एक अच्छे ब्रेकफास्ट से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, समझ गए? ये लो खाओ, चाय। युपुक, मिस्टर ऑन्डर। हेलो केमाल, कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कल बीत चुका है और जो मुझे जरूरी लगा मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किया। क्या लैला यहां पर है? देखिए, वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती है। रुक जाओ डियर, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। आज एक मीटिंग है और उसमें कैप्सुल इंक्रीमेंट की भी बात होगी। कुछ पार्टनर्स क्विट भी करेंगे। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बोर्ड भी बदल जाएगी और मैंने जो भेजे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाओ और अपना डिपार्टमेंट कैंसिल कर दो। आज ये जरूर करना, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। ये क्या हो रहा है? वो अपनी गलती की भरपाई कर रहा है। क्या हुआ जाने मन, क्या बात है? और क्या हो सकता है उजान? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। सब लोग मुझे अब भी इस घर से बहुत अलग समझते हैं। किस बारे में? सब चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अमीर, वो और निहान अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं? इफ्सानी को भी सब पता है, बस मुझे नहीं पता है, पर क्यों? जैनब, फिर से कॉलेज क्यों नहीं जाती? हाउसवाइफ बनने के काम से पीछा छूट जाएगा, और वैसे भी घर पर बोर होने से तो अच्छा ही है ना? फिलहाल मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी है मॉम। मैं अभी इस घर को ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ और सब ठीक रहा तो कॉलेज भी जाने लगूंगी। मेरा मतलब है, मैंने अच्छी चॉइसेस की हैं। मैं अभी पूरी तरह आप पर और उजान पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं गर्मा गर्म टर्किश कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी मॉम? अरे सॉरी, मिसेस नूरान ये सुनेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगी मॉम, बताइए? कितनी क्यूट है ये। अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? यहाँ इस धागे को तोड़ो ना प्लीज। रुको 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 रुको, हाथ तो। ये तुम क्या कर रहे हो एमिर? तुम्हारी उंगली तो। क्या कर रहे हो? आजकल तुम कुछ चीजें भूल रही हो जो तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। काफी डिस्ट्रैक्टेड रहती हो, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। जब भी इसे देखोगी मेरी याद आएगी। निहान सुनिए, क्या आप अब ठीक हैं? अरे अरे अरे,
ये क्या हो गया मिस्टर हक्की को? उनकी तो इतनी उम्र भी नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बुरा लग रहा है असु। क्या कर सकते हैं आंटी, मेरा तो इस दुनिया में केमाल और अंकल के अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें माँ की कमी नहीं होगी। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैं केमाल से बहुत प्यार करती हूँ। केमाल बहुत लकी है, और क्या चाहिए। मेरे अंकल ने केमाल से बात की थी, वो चाहते हैं कि हम दोनों को कंपनी सौंप दें और हम दोनों को एक साथ देखें। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मेरी तो दुआ है उनकी लंबी उम्र हो, पर मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी हालत में इंसान को हर चीज की फिक्र होती है। केमाल ने क्या कहा? मना कर दिया। क्या, किस लिए? वो अभी भी निहान से प्यार करता है। मैं नहीं मानती, इतना सब हो जाने के बाद वो मिस्टर हक्की से ये सब बोल ही नहीं सकता। आंसू शांत हो जाइए, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। हम मिलकर केमाल को निहान से दूर कर सकते हैं। मेरी भी तुम्हारे अंकल की तरह यही ख्वाहिश है आंसू, कि तुम दोनों की शादी हो जाए और हम भी अपने पोते पोतियों को अपनी गोदी में खिलाएं। मुझसे जो हो सकता है तुम मुझे बताओ, मैं करूंगी। केमाल मुझे मना कर ही नहीं सकता, वो निहान से शादी नहीं करेगा। लैला, मुझसे बात किए बगैर आप कंपनी में कुछ नहीं करेंगी। मैं मिस्टर जिया से बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं थक चुकी हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, मेरी चिंता मत करो। जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। काश आज हवा में गोलियां ना चले और तुम ताजी हवा में खुलकर सांस ले सको और मजे में झूम सको। मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम सुनते क्यों नहीं हो? केमाल मैं थक चुकी हूँ, किसी साइलेंट जगह पर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। हाँ मैं तैयार हूँ गालिब, हम दोनों 1 बजे मिल रहे हैं ना? हाँ विल्दान, ये बहुत जरूरी है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ऐसा लगता है मुझे मेरे पेरेंट्स दोबारा मिल रहे हैं। इतनी जल्दबाजी मत करो विल्दान। ऐसा क्यों? अभी कई खूबसूरत दिन है जो तुम्हारे जीने के लिए बाकी है। उनका अभी जिंदगी में आना बाकी है। तुम बहुत फनी हो। अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी है। बोलो क्या बोलना है। मुझे ऐसे मत देखो। कैसे ना देखूं तुम्हें, मैं नॉर्मली ही देख रहा हूं तुम्हें। नॉर्मल है? तुम्हारे बारे में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बकवास बंद करो। मैंने कल तुम्हें फोन किया था और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, और फिर तुमने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ठीक है बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
तुम बोलो निहान, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। टैनर ने मुझे बताया कि केरन को एमिर ने मारा है। हमें यह पता है, पर साबित कैसे करें? इसी बात का तो अफसोस है। मैंने ये बात एमिर से भी की। कल के बाद मैं खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही हूँ, और एमिर ने मुझे कुछ कहा। क्या कहा? उसने कहा कि तारिक ने केरन को मारा है। मैं ये जानता हूँ। क्या? उसने मुझे भी यही कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैं केरन के केस में पड़ा तो वो केरन के खून का इल्जाम तारिक के सर पर लगाएगा। सच कहूं तो मुझे भी यही लगा था। मुझे भी यही लगा था कि एमिर ने उसे धमकी दी है। हाँ तो वो कुछ नहीं, वो एमिर है। वो तुम्हें तुम्हारे भाई को फंसाने की धमकी दे रहा है। उसके इस जाल में मैं फंसी हूं, और ये खतरनाक है। मैं जानता हूं। हाँ, सो बस मैं आ रहा हूँ। कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। मैंने तारिक भाई को कितना समझाया पर वो मेरी सुनते ही नहीं। कुछ तो करना होगा। वो तुम्हें तुम्हारे भाई की धमकी दे सकता है तो मुझे मेरे भाई की धमकी देना बड़ी बात नहीं है। वॉर्न करने के लिए थैंक यू, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना निहान। कहाँ जा रहे हो केमाल? ये भी दोबारा मत करने में इंक्लूडेड था। ये मुश्किल है। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं रहा निहान, इसलिए अब तुम यहां से जाओ। पास वहां क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ये सब पूछना अब मेरा रूटीन बन चुका है, तुम ये जानती हो। क्या चल रहा है नेहान? क्या ये केमाल के बारे में है? बिल्कुल उसी के बारे में है। उसके फैमिली के बारे में? ओ, ज़ैनब के बारे में? उसके भाई? अरे अब उसके भाई के बारे में ऐसा क्या है? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे कुछ बातों पर शक भी है। ज़हीर। हाँ बोलो भाई। तुम कुछ कार पार्क ओनर्स को तो जानते ही होगे। तो अब हम कौन सी मूवी बनाने वाले हैं जरा बताओगे? जानते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक नंबर प्लेट मैसेज कर रहा हूँ। सलामी चश्मे में एक कार पार्क है, मुझे वहाँ की सभी एंट्री और एग्जिट डिटेल्स चाहिए। क्या हमें किसी खास दिन पर चेक करना है ये सब? हाँ सही कहा, जिस रात केरन की मौत हुई थी तब की चाहिए। ठीक है, और ये गाड़ी किसकी है? एमिर की है, कंपनी की कार है, उसे वो नहीं चलाता, मेरा भाई चलाता है। तुम नहीं होते तो मैं ये घर खरीद नहीं पाती। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गालिब, मैंने लायला से अपना बदला ले लिया है। तुम्हें शुक्रिया अदा करने का मैं मौका जरूर दूंगा, चिंता मत करो। मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। तैयार है? चलिए साथ में चलते। मिस्टर गालिब आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। लीजिए यहाँ साइन कर दीजिए।
थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए, जरा रुकिए, क्या कोई गलती हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मेरा नाम नहीं लिखा, क्या मेरे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है गालिब? नहीं, घर क्योंकि मैंने खरीदा है इसीलिए मैं ही साइन करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे साथ आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देख लीजिएगा। आपका नाम और सरनेम लिखिए और आपकी सिग्नेचर यहाँ कीजिए। नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब क्या हो रहा है गालिब? हमारे बीच ऐसी डील नहीं हुई थी, ये घर तो हम दोनों का है ना? मैंने ऐसे किसी एग्रीमेंट की तो बात की ही नहीं थी। लेकिन तुमने ऐसा भी नहीं कहा था, ये घर हमारी प्रायोरिटी है। देखो, तुम खुद ही कह रही हो कि ये घर प्रायोरिटी है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तुमने अपनी बहन से बदला लेना था और वो तुमने ले लिया, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ जरा? हाँ, मुझे तो सिर्फ वही मिला जो मुझे पैसे की कीमत पर मिलना चाहिए था। तुमने मुझे बेवकूफ। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों, हमने वो घर लैला से छीन लिया? हाँ, क्या उस घर का नया मालिक हमारे परिवार में से कोई है? बिल्कुल। क्या अब हम दोनों खुश नहीं है? देखो, चिंता मत करो, तुम्हारे घर का मैं अच्छे तरह ख्याल रखूंगा। और वैसे भी जो कुछ मेरा है वो आमिर का है और वैसे ही निहान का भी, तो फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, सब कुछ घर में ही तो रहेगा। चलो, पेपर तैयार हो गए क्या? जी हाँ, चलिए चलो चलते हैं। चलिए, आपका दिन अच्छा रहे, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। हमारी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मिसेस विल्डान आज अपना डिक्लेरेशन लेगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे दे दूंगी। आंसू, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। रोने से क्या होगा, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं केमाल? हमारी हालत देखो, मेरे पास सिर्फ मेरे अंकल हैं। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना, उन्हें जीने के लिए बस कोई एक वजह चाहिए। वो आजकल बहुत दुखी रहते हैं। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, सच में। के बाद मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। आंसू, देखो ये बहुत जरूरी बातें हैं, हम बाद में बात करते हैं ना। मुझे अभी कॉस्को कंपनी जाना है, तुम साथ चलोगी? हम इस बारे में बात करेंगे। पक्का, मैं वादा करता हूं। आ जाइए मॉम। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खाए बिना नहीं जाओगे? क्या आपको लगता है मैं खाए बिना जाऊंगा मॉम? मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत याद आती है मॉम। बस मेरे हाथ के खाने की? अब आप मुझे नाराज मत कीजिए, आप भी जानती है कि मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा था। आ जाओ हुसैन। शुक्रिया। क्या वो अंदर है? अपने कमरे में है, कपड़े बदल रहा है। इतने दिनों से कहाँ था वो? उसने कुछ बताया? उससे ठीक से बात करिएगा। देखो, उसके बारे में बताने का ये मतलब नहीं। तुम्हें मुझे उसकी खबर देनी चाहिए थी। आप ऐसा करेंगे तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, समझो? ठीक है। हेलो, आपका स्वागत है। क्या हुआ, कोई बात है? कुछ नहीं हुआ। तो क्या अग्रीमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब खुश है और सब सही है। तो फिर ठीक है, क्योंकि सब यहां पर है तो मुझे लगता है कि मीटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये कोई पूछने की बात है? फिर मैं तैयार हूँ। चलो, इस जनरल असेंबली में थोड़ी सी जान डालते हैं।
कोस्कू गिलू के हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मीटिंग रेफरेंडम की बढ़ोतरी के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है, जब हमारी कंपनी 80 मिलियन से 90 मिलियन की होने जा रही है और अगर डिमांड बढ़ी तो हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, तो कौन इस बात से सहमत है? और एक सेकंड। जी क्या हुआ? हमारा एक और शेयर होल्डर आना बाकी है। आपने ये जनरल असेंबली मेरे बिना शुरू कर दी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ, अब तुम मेरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तुम ये नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कर लिया है, ये देखो। मेरी मौसी भी बहुत ही तेज है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? हेलो एवरीवन, मैं हूँ लैला अजमजादे। मैं पिछले 30 साल से इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, लेकिन इतने सालों में मैं आज जागी हूँ। अपने सारे शेयर्स मैं खुद संभालूंगी आज से। आज का दिन सबसे घटिया दिन है। आज का यह दिन तुम्हारी वजह से आया है, तुमने खुद ही इसे इनवाइट किया है। तो मुझे लगता है मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अपनी माँ को ऐसे देखना बंद करो, मैं इसकी वजह से ही चुप हूं। खाने के लिए शुक्रिया। एक बात बताओ, तुम इतने वक्त से थे कहां? मेरे एक दोस्त के घर पर था। उस दोस्त का कोई नाम तो होगा? अगर नाम बताए तो आप पहचान लेंगे उसे? तुम उसी आदमी के लिए काम करते हो ना? मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है पापा, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा। मुझ पर आप भरोसा कब करोगे? क्या आपने केमाल से पूछा है कि वो क्या करता है, उसके पास पैसे कहां से आते हैं, वो कहां जाता है, कहां आता है? मैंने नहीं पूछा, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आई। मैं आपको ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता पापा। क्या आपको लगता है कि मेरी गलती है? तो ठीक है, मेरी गलती है। मेरी बात सुनो, केमाल मेरा दायां हाथ है समझे, और तुम बायां हाथ हो। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, काश तुम इस बात को समझ पाते। बेटा, बाप के लिए हर औलाद बराबर होती है। केमाल से ज्यादा प्यार नहीं हो सकता, ज़ेनिब से जरूर कम हो सकता है। तारिक, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी दुकान को संभाल लो, उसे अपने हिसाब से चलाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पास रहो। इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है पापा। इसका क्या मतलब है बेटा? क्या तेरा उनके साथ काम करना जरूरी है? मैं अब लौट कर नहीं आ सकता। मैं भी ज़ेनब की तरह ये घर छोड़ चुका हूँ मॉम। मत कहो, अब ये बात तुम मत कहो। हमने पहले ही अपनी एक औलाद खो दी है, अब हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। तारिक, जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते हो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, जब चाहे आ सकते हो। ठीक से खा तो लो। मुझे भूख नहीं है मॉम। थोड़ा तो खा लो। अच्छा, रात को वापस आओगे ना? मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं, मत बनाओ।
मेरी भूख मिट चुकी है। भाई, क्या आप इंजीनियर्स के कैंप और हॉलीडेज के बारे में कुछ जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ऐसी ही जॉब मिले। इस लड़की को देखो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे क्या, मैंने इसमें क्या गलत कहा? हम छुट्टियाँ एक साथ मना सकते हैं क्या? पहले मुझे एक अच्छे से जॉब तो मिल जाए, फिर पक्का छुट्टियाँ मनाएंगे। तुम्हारा तारिक भाई तुम्हें छुट्टी पर ले जाएगा और इसके लिए मैं पैसे भी जमा रहा हूँ। मेरे सबसे प्यारे भाई। आखिर मैंने अपने बच्चों के साथ क्या गलत किया? आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी कि मैं अपने बच्चों के साथ खाना नहीं खा सकता? खुद को दोष मत दो हुसैन, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर हमारे बच्चे गिरे तो हमें उन्हें संभालना होगा। हमें हारना नहीं चाहिए। जैसे हमारे बच्चे आज गए हैं, वैसे ही एक दिन लौट भी आएंगे। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, भरोसा रखो। तारिक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में बात? वो कैरन के मर्डर के बारे में। मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में बात? कैरन के मर्डर के बारे में बात करनी है। तुम एमिर के आदमी नहीं हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है, ये बात मैं जानता हूं। तुम शादी वाले दिन मुझे सब बताने वाले थे, लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे। आप गलत हैं मिस्टर केमाल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन आपको बस भरोसा नहीं करना है मिस्टर केमाल। तुम्हारे बॉस ने तो मुझे कुछ और ही बात कही, उन्होंने कहा कि वो मर्डर का इल्जाम तारिक पर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इस केस को आगे बढ़ाते हैं तो तारिक को वो जेल भेज देंगे, क्योंकि उसी ने कैरन को मारा है। कैरन का खूनी वही है। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। मिस्टर केमाल, आप मुझ पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसा रहा हूं। तारिक के पास गवाह है, वो उस रात बानू के साथ थे। ठीक है, फिर चलिए हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। आपको मेरे सोर्सेस बताता हूं और इसे साथ में देखते हैं, ताकि आपको मुझ पर यकीन हो जाए। मिसेस बानू उस दिन कंपनी में कब आई और कब गई, उसकी सारी डिटेल्स है मेरे पास। मैं चाहूं तो उसे बदल सकता हूं, उसके पहले आप वो डिटेल्स देख लीजिए। चलिए साथ में चलकर डिटेल्स देखते हैं। तारिक, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। क्या तुमने कैरन को मारा है? क्या पागल हैं? कहीं बीमार तो नहीं हैं आप? पहले केमाल ने पूछा और अब आप? ये क्या हो रहा है? क्या किसी को मर्डर बुलाना इतना आसान है आपके लिए? मैं उस बिचारी को क्यों मारूंगा? आप क्या करना क्या चाहती हैं मेरे साथ, बताइए। मैं नहीं, बल्कि एमिर तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम उस आदमी टेरन को जानते हो जिसने मुझे किडनैप किया था? उसने मुझसे कहा कि एमिर ने उस कैरन को मारा है, और एमिर ने मुझसे कहा है कि तुमने उसे गलती से गोली मार दी। क्या ये सच है? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। अगर उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है तो बस कीजिए। कोई मुझसे कुछ भी नहीं करवा रहा और कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा। मैं नहीं जानता कि मिस्टर एमिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं शांत रहूंगा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बॉस की बीवी हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब?
बानो अकमेरिक उस तारीख को यहाँ आई थी जिस दिन आपने बताया था, सुबह तकरीबन 9:45 बजे। और वो यहाँ से कब निकली? रात को 8:30 बजे। ये उनके काम की लिस्ट है, इसे आप देख सकते हैं, ये लीजिए। अब ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपको मुझ पर भरोसा करना है या नहीं करना। आप मंडे को 6 से 7 के बीच कहाँ थे? ये मेरे साथ था, हम दोनों 7 बजे मूवी देखने गए थे और फिर मेरे माइग्रेन की वजह से हम घर लौट आए थे। टिकट मेरे बैग में होंगे अगर मैंने फेंकी ना हो तो। अगर तुम चाहो तो हम ढूंढते। मिसेस बानू आज कहाँ है? वो आज नहीं आएंगी, वो घर पर ही हैं। कोस्क्यू गोलू होल्डिंग की मीटिंग में शामिल होने के लिए आप सभी शेयर होल्डर्स का शुक्रिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम जितना चाहे कोशिश कर सकती हो। देखना तुम मुझसे भीख मांगोगी। तुम्हें इस पर यकीन है? स्वागत है, कभी हार मत मानना तुम। आप लकी हैं कि मिस्टर ऑन्डर आपको सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि बीवी की बहन बीवी से बेहतर होती है। तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में काफी पता है। लगता है मुझे सिर्फ अपने हक के काम नहीं करने बल्कि लोगों को तमीज भी सिखानी है। थैंक यू सो मच। बहुत बदतमीज हो। मिसेस लैला, मैं आपको बहुत ही एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि होल्डिंग पार्टनरशिप पर चलती है और आपकी पहले ही दिन इस तरह की नासहमति ने आपको हमसे अलग कर दिया। मैंने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपसे अलग रहना था। तो आपने मना इसलिए किया क्योंकि आपको ये जताना था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे आपको मेरे कैबिन से पास होते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा मौसी जी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मिसेज लैला के साथ बदतमीजी करो। क्यों? तुम्हें किसी दिन समझ में आ जाएगा। सब कैसा रहा? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बताइए। पहला राउंड बहुत ही अच्छा था। मैं गई और थोड़ा शो ऑफ भी किया। मेरी वजह से मेजॉरिटी वोट्स काउंट नहीं हो पाए और पता है तुम्हें, इसलिए अगले हफ्ते फिर से एक असेंबली होगी। बहुत अच्छा हुआ। आप अकेले घर जा सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे मिलता हूँ। मिस्टर केमाल, मेरे साथ चलो। जो कहना चाहते हैं यही कहिए। क्या ये तुम्हारी नई गेम है? कौन सी गेम? देखो एमिर, मैं तारिक को बलि का बकरा बनने नहीं दूंगा। क्या? एक्टिंग मत करो जैसे कुछ पता नहीं है। तुमने तारिक को फंसाया और उस पर मर्डर का इल्जाम लगाने की कोशिश की। नहीं। कितना झूठ बोलोगे? क्या इसलिए तुम ऐसे उलझे हुए रहते हो? या तुम्हें सच्चाई का सामना करने में तकलीफ होती है केमाल? पता है मुझे अपने बारे में कौन सी बात पसंद है? मैं लोगों को खुद पर डाउट करने देता हूँ और फिर सच्चाई उसके सामने रख देता हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर फिर भी भरोसा नहीं होता। और अगर उन्हें सच्चाई से धोखा लगे
तो वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरफ पेश आते हैं, ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते मिस्टर केमाल। ओह मिस्टर केमाल, ये दुनिया एक सर्कस है और मुझे खेलना पसंद है। सब मेरे खिलौने हैं, ये भी अब तक नहीं समझे? जहीर, काम कुछ आगे बढ़ा या नहीं? अभी ढूंढ ही रहा हूं, बाकी आपके क्या हाल है बताओ। मेरे भाई ने मुझसे छूट कहा, वो उस रात बानू के साथ नहीं थे। तुम चुप क्यों हो गए? ये सब थोड़ा मुश्किल है भाई, अगर ये एक जाल है तो इससे बचने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। उम्मीद है कि हो। तुम्हें लगता है कि रास्ता होगा? मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि लोग हमेशा आसान चीजें नहीं करते हैं। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एमिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि तानेर अभी भी लापता है। लगता है एमिर ने उसे भी मार दिया होगा। क्या तुम घर पर हो? हाँ घर पर हूँ। वो बेवकूफ तारिक, वो यहाँ नहीं है। मैं वहाँ आ रहा हूँ। क्या मिस्टर रेमिर यहाँ पर है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर आओ। तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? हाँ, क्या तुम मिस्टर रेमिर के साथ मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बताओ मुझे। ये बकवास करना बंद करो और कहो कि कहना क्या चाहते हो। मेरी बात सुनो, मिसेस निहान मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने कहा कि मिस्टर रेमिर ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो क्या मतलब है? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? आखिर सब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अगर सबको सच सच पता चल गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है। मिस्टर रेमिर पर भरोसा करो, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे मिस्टर रेमिर पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ऐसे क्या? अगर मुझे तुम्हें नीचा गिराना होता तो मैं उन्हें बानू और तुम्हारे बारे में कब का बता दिया होता। तारिक, मिस्टर रेमिर इसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर आज बानू है तो कल वो उनकी बीवी भी हो सकती है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो तुम पर भरोसा कैसे करेंगे? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी तूफान। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इस बात को भूलना मत तुम, समझ गए तुम? तारिक, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो अपने लोगों का सहारा लेता, उनके खिलाफ नहीं जाता। तुम होते कौन हो मेरे लिए मुसीबत खड़े करने वाले? अभी से मुझसे बचकर रहना तूफान, समझ गए तुम? हाँ हाँ आंसू बोलो। तुम कहाँ हो केमाल? मुझे कुछ काम है, मैं बस रास्ते पर ही हूँ। सब ठीक तो है ना? अंकल को ठीक नहीं लग रहा। तुम अभी कहाँ हो? हॉस्पिटल में हो क्या? नहीं, वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। कहते हैं कि अब उन्हें घर ही रहना है। वो मेरी बात नहीं सुन रहे केमाल, प्लीज तुम आकर समझाओ। ठीक है, मैं आके बात करता हूँ, तुम डॉक्टर को फोन करो। ओके। काश हम तब मिले होते जब मेरा भाई और निहान एक साथ थे। क्यों? हम 5-6 साल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने रह सकते थे, कितना अच्छा होता ना? सच में अच्छा होता।
और फिर मुझे निहान के लिए कभी इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि निहान की शादी अमीर से ना होके केमाल भाई से हुई होती। इसका क्या कनेक्शन है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उनकी शादी तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने फिर अपनी जासूसी शुरू कर दी जनाब। देखो इन बीती बातों को करके कोई फायदा नहीं, आगे लंबी जिंदगी पड़ी है, उस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम इतनी लंबी तो हो जिसमें तुम अपने बारे में सब बता सको। इस बात का क्या मतलब हुआ? माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? माँ जी, हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, हमें बच्चा समझ के, नादान समझ के हमें माफ कर दीजिए। मुझे जाने दो। प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए मुझे छोड़कर। ये फैसला तुमने खुद किया है, अब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए इसके लिए। जाओ और अपने घर में खुश रहो, बस यही दुआ है कि तुम्हें पछताना ना पड़े। क्या तुम पागल हो या हम पागल हैं? केमाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम पागल हो? हम दोनों पागल हैं इसलिए यहाँ साथ में हैं। क्या तुम नर्वस हो रहे हो? नहीं, मैं पहली बार थोड़ी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं नर्वस क्यों होऊंगा? मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारे पैर से तो ऐसा नहीं लगता। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम कुछ पढ़ लो और अपनी बकवास बंद करो वरना मैं सच में नर्वस हो जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए अपना प्यार किस तरह जताया? तुम कैसे जताते केमाल? केमाल, जब तुम अंदर मीटिंग में जाओगे तब तुम जोर से चिल्लाना, निहान आई लव यू, आई लव यू। तुम ये क्या कर रही हो निहान? चुप हो जाओ, सब यही देख रहे हैं। देखने दो उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल बनो, अंदर जाओ और जोर से बोलो आई लव यू निहान। तुम्हें मेरे साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो? यहाँ मैं ये सब करने आया हूँ? हमारे पास इस मैगजीन में लिखने के लिए क्रेजी लव स्टोरी नहीं है, और तुम अब भी लोगों का सोच रहे हो केमाल, ये बहुत ही बुरी बात है। एक काम करो। क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो और मैं मैगजीन में लिखवाता हूँ। ठीक है, तो करो ना। मैं यहाँ किसी जॉब की मीटिंग के लिए आया हूँ या इसके साथ डेट पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ मैं अंदर भेजती हूँ। केमाल सोएदे, अंदर जाइए मिस्टर केमाल। अच्छा देखो, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? टाइट ठीक है? मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, ये ऐसे ज्यादा टाइट मत करो।
और ये ऐसे बस, बस हो गया ना? हाँ हो गया। केमाल गुड लक। थैंक यू सो मच। हम आपको कॉल करके बताएंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है। थैंक यू सो मच, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय। जैसे गुलाब के फूल और उसके कांटे, वैसे मैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार, दो हाथ जब हो एक साथ में वो है मेरा तुम्हारा प्यार। मैं नहीं जानती कि तुम्हें दिखाई देता है या नहीं, लेकिन मैं करती हूँ तुमसे प्यार। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैं रो रही हूँ। क्या तुम हंस रहे हो? ये है मेरा प्यार। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? घूम गया। क्या मुझसे तुम करते हो इतना प्यार? अरे 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 निहान, क्या हुआ? हाँ, मैं केमाल के बिना क्या करूंगी? शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। उसके लिए मैं एक गलती बन गई। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। किस करके उसने मुझसे माफी मांगी? अच्छा, जैसे कि तुम केमाल को जानती नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ लिमिट्स हैं और वो चाहे तुम्हें कितना भी प्यार करे पर ये सब नहीं कर सकता है। तो उसने किस क्यों किया? मुझे लगता है क्योंकि वो पहली बार में ये समझ नहीं पाया होगा। तुम किसी कहानी की परी नहीं हो और वो कोई सुपरमैन नहीं है। क्योंकि वो पहली बार में ये सब बातें समझ नहीं पाया। तुम्हें नहीं लगता? मैंने उसे एमिर के साथ देखा है नेहान, उसकी आंखों में जुनून देखा है मैंने। अगर तुम एमिर से अलग हो गई होती तो तुम यहाँ नहीं बल्कि कहीं दूर होती। मैं नहीं जानती एमिर का साथ क्यों नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ, तुम एमिर को छोड़कर केमाल को क्यों नहीं अपना सकती? मैं दूर हो सकती हूँ। क्या एमिर तुम्हें हारना बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ? क्या वो तुम्हें केमाल के साथ रहने देगा? क्या तुम्हें यकीन है वो पागल तुम्हें ऐसा करने देगा? केमाल को हर उस मिनट की कीमत चुकानी होगी जब वो तुम्हारे साथ होगा। आप सही कह रही हैं। एमिर तो सच में कुछ भी कर सकता है। देखो, जहां तक तुम सोच रही हो ये सब खतरों से भरा है। नेहान, तुम्हें बचाने के चक्कर में केमाल को गोली लग सकती थी। तुम लकी हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लक कब तक काम करेगा? कब तक वो तुम्हारे लिए जोखिम उठाता रहेगा? बस कीजिए लैला, आगे कुछ मत बोलिए। मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन केमाल से दूर होने की बात से मैं डरती हूँ बहुत। ये बात मुझे चुभती है। अगर केमाल को किसी और से प्यार हुआ तो? अगर उसे कोई और पसंद आ जाए तो? जैसे कि आंसू। तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करना बंद कर देगा? और अगर मैं एमिर से कभी पीछा नहीं छुड़वा पाई तो? किसी ना किसी दिन केमाल सच्चाई को मान लेगा। उसे अपनी जिंदगी जीनी होगी, उसे शादी करनी होगी, बच्चे करने होंगे। तो Thank you.
वेलकम। काश मैं ऐसा कह सकती। मैं लीला से मिलने आई थी क्योंकि केमाल नहीं था इसीलिए। क्यों? ताकि वो दोनों को संभाल सके। अच्छा छोड़िए ना, अंदर आकर बैठिए। इसकी जरूरत नहीं है लीला, और बेहतर होगा कोई मेरे बेटे के लिए कुछ न सोचे, क्योंकि केमाल की शादी अस्सू से ही होगी। इस बारे में बात करने का ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त है, और सबको ये पता हो कि ये सिर्फ मिस्टर हकी की ही इच्छा नहीं है बल्कि मेरी और उसके पापा की भी है। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो तुम उसे छोड़ दोगी, उसके लिए रुकावट नहीं बनोगी। तुम एक शादीशुदा औरत हो, उसे झूठी उम्मीद से मत बांधे रखो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। क्या तुम ये नहीं सोच रही कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं आए हो? तुम बिल्कुल गलत हो, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? चिंता मत करो, काम बहुत आसान है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, काफी इजी है, तुम आराम से कर सकती हो। अच्छा हुआ मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई, और मेरे दिल में जो भी था मैंने उसे सब सुना दिया। और दिल भी तोड़ दिया। यही सच है, उसे पता चले वो क्या कर रही है, उसके लिए मैं अपने बेटे को क्यों कुर्बान करूं? चीनी लेंगी? थोड़ी सी, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। केमाल अब बड़ा हो गया है, उसे अब परमिशन की जरूरत नहीं है। एक माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा छोटा होता है, सोच कर देखिए। मैं हर रात एक डर के साथ सोती हूँ कि मेरा बेटा एक शादीशुदा लड़की के साथ है। अगर उसके पति ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर दिया तो, या फिर केमाल ने कुछ गलत कर दिया और जेल चला गया तो, आप समझ नहीं रही हैं। सोचिए, ये सिर्फ केमाल की भलाई की बात नहीं है, इसमें सबकी भलाई है, लेकिन आप उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। आप ये सही नहीं कर रही हैं, इससे दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बात मानिए, आप इस लड़की से कोई रिश्ता मत रखिए। निहान तो मेरे मरने तक मेरी जिंदगी में रहेगी। केमाल से भी बढ़कर है तो ठीक है। अरे उसके लिए मेरे दिल में अलग जगह है, केमाल मेरा बेटा है और निहान मेरी भतीजी है। क्या? विल्दान मेरी बहन है, निहान मेरी भतीजी और ओजान भतीजा, मैं उनकी मौसी हूँ। इसका मतलब वो आपका परिवार है और आपने जानबूझकर केमाल को फंसने दिया इस लड़की के जाल में। लैला ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, हमें तो ये सब पता नहीं था। आपने उन दोनों को रोका क्यों नहीं, और आपने हमसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया, हमें खबर तक नहीं लगने दी। ओह आपने ये क्या किया, आपको शर्म आनी चाहिए। मिसेस फहमे, क्या तुम समझ गए तुम्हें क्या करना है? तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ मैं समझ गई क्या करना है मुझे। उसकी मुसीबत। क्या? मैं उसकी मुसीबत हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ, अब उसे मुझसे बचना होगा। यहाँ आओ। मैं यही ठीक हूँ। बकवास बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो, यहाँ आओ। ऐसा मत करो,
मैंने तुम्हें मिस किया। उस आदमी में ऐसी क्या बात है जो तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती? मैं सब धीरे धीरे खत्म करूंगी। ऐसा मत करो एमिर। तुम उस आदमी से प्यार करने लगी हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं, सच कह रही हूँ। तो मुझे यकीन दिलाओ। पक्का कुछ पीना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। लो वो आ गया जिसका इंतजार था। बैड लक। मैंने तूफान से बात सुन ली तो सोचा क्यों ना यहीं आके तुमसे मिल लूं। क्या ये सच है तारिक? क्या सच है मिस्टर अमीर? क्या तुम बानू से सच में प्यार करने लगे हो? तूफान एक खतरनाक आदमी है सर, वो कुछ भी बोल रहा है सर। पहले मुझे जवाब दो तारिक। हमने कुछ भी गलत नहीं किया मिस्टर अमीर। इसका क्या मतलब है? मैं जानता हूं आपके बारे में, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है और इसीलिए भी, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करता। मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाता। मैंने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया मिस्टर रेमेल। मैं मिस्टर रेमेल, मैं बानू से प्यार करता हूं और मैंने आपको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप नहीं रुके। अगर मुझे इसके लिए गोली मारेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बानू को नहीं जाने दे सकता। मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी सच्चाई की दाद देता हूं। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मिस्टर अमीर, जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक सब ठीक है, समझ गए तुम? नहीं, दरअसल बात कुछ और है। बोलो। आपकी पत्नी मिसेज निहान आज मुझसे मिलने आई थी। आपने उनसे कहा कि कैरन को मैंने मारा है? हाँ। लेकिन आपने ऐसे क्यों कहा उनसे? कैरन के पति ने मरने से पहले निहान को सब कुछ सच बता दिया था, तो क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए उससे ये कहता कि कैरन की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा इंश्योरेंस हूं, समझ गए तुम? मिस्टर अमीर, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन अभी फिलहाल
जो हो रहा है काफी परेशान हूँ मैं सर, उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है सर, आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? ये मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाओ। तुम शुरुआत से ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, समझे? वफादार रहो, यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मेरा यकीन मानो, तुम बिल्कुल अकेले हो, समझ गए ना तुम? मिस्टर हकी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो अच्छा है कि मैं और आंसू आपके पास में ही है। आपको घर पे नहीं रहना चाहिए, आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या तुमने इसे ऐसा कहा? अंकल, आप उसे हॉस्पिटल मत समझिए, आप बस यही सोचिए कि आप एक रूम बदल रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, है ना केमाल? बिल्कुल सही कहा, और आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वहाँ तुम्हारे हाथ का खाना याद आएगा। आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं। तुमने मेरे लिए सूप बनाया था ना, वो ले आओ, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। ठीक है, जैसा आप चाहें। देखिए मिस्टर अक्की, आप प्लीज इस तरह जिद मत कीजिए, मुझे और आंसू को आपको ऐसी हालत में देखकर तकलीफ होती है। क्या वो मुझे हॉस्पिटल में देखकर खुश हो पाएगी? एक बूढ़ा आदमी मरने की कगार पर है और दवाइयों पर जिंदा रह रहा है, क्या वो देख पाएगी? ठीक है ठीक है, आप परेशान मत होइए, ज्यादा सोचिए मत। हॉस्पिटल में मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं अपने घर पर ही सुकून से मरना चाहता हूँ बेटा। देखिए, हम दोनों को पूरा यकीन है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसे बस खुश रहने की जरूरत है, चाहे घर हो या अस्पताल हो। मेरे पास बहुत कम वक्त है, वो मुझे खोकर दुखी हो जाएगी, इस सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उसका हाथ पकड़ लो। मेरे जाने के बाद उसका हाथ थाम लो बेटा, उसे खुश रखना, ताकि वो मेरे जाने के बाद मेरी याद में अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो सिर्फ यही कर सकते हो मेरे लिए। मिस्टर हकी, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है बस। मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो जरूर केमाल। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। लो आ गई मेरी बेटी, शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। ये लीजिए। हाँ, ये लो नेहान, तुम्हारी बदौलत हम कभी भी नैपकिन्स पर गिव अप नहीं कर सकते। मुझे चिढ़ा मत। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। कभी आंसू अब मिसेस फहीम में तुम बस रोती रहती हो और गुस्सा करती हो। मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए नेहान। मेरा यकीन मानो, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम बस केमाल को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हो, लेकिन तुम एमिर से भी डिवोर्स नहीं ले सकती। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन एमिर सबसे टफ है। ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? कुछ दिन पहले ही तुम कहीं गई थी और तब वो यहाँ पूछताछ करने आया था। जब तुम ऐसी हरकतें करती हो तब वो गुस्सा होता है। मैं बस दूर रहना चाहती थी, मुझे ये सब बातें परेशान कर रही थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे बता तो देती तो क्या अब तुम रोती ही रहोगी? अच्छा, अब रोना बंद करो और अपने आप को थोड़ा संभालो निहान। मुझे कुछ मिला है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। हाँ, अब कर रही हो ना बात, बताओ प्लान क्या है। मुझे डराओ मत निहान, तुम क्या करने वाली हो? मैं कुछ करने वाली हूँ, तुम्हें ये रखना होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये कितना अच्छा कॉन्वर्सेशन था, थैंक यू। हद करती है ये। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, वो सो गए। आओ बाहर चल के बात करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लाओ ये मुझे दो।
मेरे साथ दरवाजे तक तो आ सकती हो ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आंसू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मिस्टर हकी भी बिल्कुल मेरे पापा जैसे ही हैं। वो हमारे पापा हैं किमाल, हम अपने पापा को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं नहीं जानता सो, पर जैसा वो चाहते हैं वैसे हम नहीं रह सकते। देखो, वो तुम्हें बस खुश देखना चाहते हैं और तुम ऐसे रोगी तो वो और दुखी हो जाएंगे। तुम्हें उनके लिए खुश रहना होगा, झूठा ही सही। मैं खुश कैसे रहूं? क्या ये इतना आसान है? मैं जानता हूं कि आसान नहीं आसू, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। अंदर दर्द हो रहा है फिर भी मुस्कुराना पड़ेगा आंसू। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ, बस इस वक्त उनके सामने मायूस मत रहो। देखो, उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए उनके साथ रहो, उनके साथ यादें बनाओ, ताकि उनके जाने के बाद तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। मिस्टर हकी का खुश रहना बहुत जरूरी है और वो तभी खुश होंगे जब तुम उनके सामने मुस्कुराओगी आंसू। आंसू, दोबारा ऐसे मत करना। क्यों नहीं? तुमने ही कहा ना, कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। आंसू, मैंने वो अंकल के लिए कहा था। यही मेरा पछतावा है किमार, यही मेरा पछतावा है कि मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया जिसे तुम पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी नहीं जानने का दिखावा करते हो। हर रोज मेरा चेहरा देखते हो, फिर भी ऐसा दिखावा करते हो जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा महसूस होता है। तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ताकि मुझे मेरी सच्चाई पता रहे। तो क्या और कोई तरीका है आंसू? बस तुम ही मेरा एक तरीका हो। अगर मैं रोऊं, हंसूं, गिरूं, ये सब मुझे तुम्हारे साथ करना है। सिर्फ तुम ही मेरी खुशी हो और सिर्फ तुम ही मेरा गम हो। क्या तुम्हें ये नहीं दिखता कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ? लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है आंसू, और वो निहान की ओर जाता है, मैं जानती हूं, और यही चुभता है मुझे। आंसू, आंसू, देखा तो मुझे कभी नहीं बताते। तुम्हारे कॉलेज में कोई तो है जो तुमसे प्यार करती है, पक्का कोई तो होगी। क्या पता, मुझे नहीं लगता कोई होगी। कोई होता तो तुम्हें पता होता।
अगर होते भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है मेरे लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। बिल्कुल, और कोई रही तो मैं तुम्हें मार दूंगी। किसी दिन तुम्हें किसी और लड़की से प्यार हुआ तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे ही मार डालोगी। मान लो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम किसी ऐसी लड़की से मिले तो जिससे तुम्हें प्यार हो जाए, तो तुम क्या करोगे फिर? तो अगर मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए तो तुम किसे चुनोगे, बताओ? उनमें से एक तो तुम ही हो ना। ऑफ कोर्स केमाल, और कौन हो सकता है? ये बताओ दूसरी कौन है? तुम्हें दूसरी से क्या मतलब है? क्या तुम उसे चुनोगे? मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। इसका मतलब कि तुम इंटरेस्टेड हो। दूसरी वाली को एक मौका तो देना चाहिए ना। तुम बस मुझे चुनोगे, सिर्फ मुझे। अरे यार ये कैसा खेल है? ये खेल नहीं, मुझे नहीं खेलना, छोड़ो। ये खेल नहीं है, ये प्यार है। प्यार? अगर हम प्यार की बात कर रहे हैं तो मुझे किसी को चुनना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्यार चुन नहीं सकते हैं, बल्कि प्यार हमें चुनता है। लेकिन कई लोगों में मैंने तुम्हें चुना है, समझे? क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार हूं, इसलिए मुझे चुना। मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तुमने निहान। मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तो किया क्यों नहीं? तुमने जो फोन कर लिया। क्योंकि तुमने नहीं किया। मुझे तुमसे मिलना है केमाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। निहान मुझे ये बताओ कि क्या हमारी बातों का कोई अंत है? हो सकता है। हाँ। एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बस हम दोनों दूर ही रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है निहान, पर तुम शादीशुदा हो। मैं ये सब नहीं कर सकता। आज रात को पार्क में आके मुझसे मिलो। वो ठीक नहीं लग रहे थे, बहुत बीमार दिख रहे थे। देखिए मामा बासु को ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, वो वैसे ही बहुत दुखी है। क्या मुझे नहीं पता कैसे बात करनी है? मेरी बात छोड़ो, अपनी कहो। तुम क्या करते हो? हर वक्त उस बेचारे को नाराज करते रहते हो। मैंने कब नाराज किया मॉम? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम ऐसा ही करते रहे, हक्की जी वैसे ही गुजर जाएंगे। ऊपर वाला बच्चा है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या
आपको कुछ तो बात पता चली है, तभी आप ऐसा कह रही हैं। मिस्टर हक्की ने आपसे कुछ कहा क्या? किसने कहा से क्या फर्क पड़ता है? हक्की जी ने कोई गलत बात तो नहीं कही ना? मैं भी चाहती हूँ कि तुम अस्सू से शादी कर लो। मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बात नहीं करनी, इस बारे में बात करना तो अच्छी बात है ना? डैड, आप इन्हें कुछ कहिए ना। मुझे माफ करना, हम दोनों की सोच यही है बेटा। मेरी बात समझो बेटा, असु दिखने में भी सुंदर है, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड भी है और दिल की साफ है। मिस्टर हक्की चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो और खुशी खुशी घर बसाओ, और हम दोनों भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम खुशी खुशी रहो। पता नहीं तुम अभी तक क्या सोच रहे हो। मॉम देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा है, मुझसे नहीं होगा। आंसू के साथ मैं खुश नहीं रहूंगा। तो कौन है? आंसू अच्छी लड़की है, मैंने माना, पर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूं। मुझे आप लोग फोर्स मत कीजिए। तुम उस आदमी को अपने बाप जैसा ही मानते हो, उनकी आखिरी चाहत को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। डैड, उन्हें झूठा दिलासा देना क्या सही बात होगी? ये धोखेबाजी होगी। मैं सिर्फ उनकी बात रखने के लिए आंसू से शादी नहीं कर सकता। बेटा, तुम उससे शादी अपनी खुशी के लिए करोगे। देखिए, मैं उससे शादी करके कभी खुश नहीं रहूंगा। क्या कहा? कहीं ये उस लड़की निहान की वजह से तो नहीं? तुम अभी भी उसे चाहते हो, उसे भूल नहीं पाए? तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? वो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। बहुत बढ़िया। काश तुम इस बात को इनकार कर पाते। नहीं कर सकता। जब भी ये झूठ बोलना चाहता है तभी चुप हो जाता है। अगर इसने बोलना शुरू किया तो यही कहेगा कि उससे प्यार करता है। हाँ, मैं करता हूं उससे प्यार। मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूं। देखिए, मेरा दिल अभी भी उसी के लिए धड़कता है। मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से प्यार करता रहूंगा। मॉम, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैंने सही कहा, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। उसके लिए तुम सबको नाराज कर दोगे। क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता। आप नाराज हो उसके लिए सॉरी, पर मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें मिस्टर हक्की की तरह नहीं बोलूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि ये मेरी भी फेम है, आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हें किसी एक को चुनना है, या मैं या वो लड़की। फैसला तुम्हारा है, या तो मैं या वो लड़की। उफ, ये यहां क्यों आया है? मैं सोच रही थी ये तुम हो या फिर तुम्हारे पिता। तो क्या आप सोच पाई? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे पिता होंगे। मैं नहीं जानता था कि अजमजादेज इतने फनी भी होते हैं। सब नहीं होते। हाँ, वो तो इतने फ्रेंडली भी नहीं होते। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? केमाल यहाँ नहीं है। ये तो और भी अच्छा है, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ।
अच्छा है कि अब मैं पास में रहती हूँ, तो तुम कोई ना कोई बहाने मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। लेकिन वैसे मैं तुम्हें कल कंपनी में मिलती। आप सिर्फ फनी ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हैं। आप पहले ही समझ गई थीं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन क्योंकि ये फैमिली कंपनी है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी बात फैमिली के बारे में हो। हाँ, लेकिन बात क्या है? एक्चुअली मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। क्या मतलब? कोई तो बात है जिसकी वजह से आप फिर से काम करना चाहती हैं। ओह, तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें विल्दान ने भेजा है? मैं इधर की बात उधर नहीं करता। क्या तुम चाय लेना चाहोगे? ये सवाल अचानक आया है ना? लेकिन मेरे पास चाय है, तुम थोड़ी चाय पी लो ताकि तुम सोच पाओ कि लैला काम पर क्यों लौट आई। थैंक यू सो मच। तुम मेरे लिए थोड़ी सी कॉफी ले आओगे अफसाने? तुम्हारे लिए कॉफी अच्छी रहेगी। और तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए भी तो कॉफी अच्छी है। तुम मुझे ये सब कब बताने वाले थे? तुम्हें भी डिक्लेरेशन मिला था, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें ये सब कहूंगा? तुम जानते थे कि आज से लैला कंपनी ज्वाइन कर रही है? वो कभी भी आ सकती है। जब लैला की बात होती है तो मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम हर रोज लैला को फंसाने की कोई नई तरकीब ढूंढती हो। क्या ये उसकी तरफदारी नहीं हुई, वो भी अपनी बीवी के खिलाफ? तुमने तो मौका भी नहीं दिया है ना। मतलब अब तुम उसे सपोर्ट करोगे? नहीं, तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें नहीं लगा था कि उसका घर छीनने के बाद वो कंपनी के शेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है? तुम क्या सोच रही थी उसके बारे में कि वो क्या करेगी उसके बाद में? हाँ, सोचा नहीं था कि उसकी इतनी हिम्मत होगी। तुमने सोचा नहीं था कि वो ऐसे लौटेगी? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि लैला ऐसी हरकतें कभी भी नहीं कर सकती है ना। अगर तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो वो कंपनी में या शेयर्स में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होती। ये सोचने की गलती मत करना कि जैसा वो सोचेगी वैसा ही होगा, क्योंकि गालिब ऐसा होने नहीं देगा। इस बात पर इतना यकीन मत करो। क्या कहा तुमने? अगर मैं तुम होता तो गालिब पर कभी यकीन नहीं करता और ना ही लैला को अंडर एस्टिमेट करता मैं। शायद तुम समझ गई होगी। अरे मॉम, तुम्हारी मॉम नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं समझी नहीं। मुझे मॉम मत कहो, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर, समझ गई? मुझे माफ कर दीजिए मॉम, लेकिन मुझे बचपन से यही सिखाया गया है। हमारी फैमिली में मान मर्यादा सिखाई जाती है। थैंक यू। मुझे भी एक कॉफी चाहिए, थोड़ी चीनी ज्यादा डाल देना। आप कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूं, लेकिन लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। मैं बस विल्दान मॉम के बारे में सोच रही थी। अगर उन्होंने तुम्हें नाराज किया हो तो उनका बुरा मत मानना, क्योंकि उनका दिन आज अच्छा नहीं जा रहा है। ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है पापा। ज़ैनब, विल्दान वो रिश्ते आसानी से नहीं निभा पाती। मेरा मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में लोगों को बड़ी मुश्किल से जगह देती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जल्दबाजी में शादी की, काश मैं उज़ान को थोड़ा पहले मिली होती, तब जब मेरा भाई और नेहान दोनों एक साथ थे। काश हम तब मिले होते, एक दूसरे के परिवार को जाने का वक्त मिलता। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा होता तो क्या होता फिर? मतलब सब कुछ कितना अलग होता।
हम अपनी जिंदगी के कुछ अहम साल खुशी से एक साथ बिता पाते। भले ही भाई और निहान तब भी एक दूसरे से अलग हो गए होते, लेकिन कम से कम उन्हें एमिर से शादी तो नहीं करनी पड़ती। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं ये बात जानती हूँ कि निहान ने अपनी मर्जी से एमिर से शादी नहीं की है। तुम्हें गलत पता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको मुझसे बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे उजान ने सब कुछ बता दिया है, आपके रिश्तों के बारे में, इस परिवार के बारे में, अब मुझे सब पता है। आपको मुझसे कोई सीक्रेट छुपाने की जरूरत नहीं है। उजान ने मुझे 5 साल पहले की सब बातें बता दी। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं नहीं जानती। आप देखो जैनब, अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे गलत तरीके से लो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम्हें परिवार के बीच ही रखना होगा। तुम्हारे परिवार से कहोगी तो ये सही नहीं होगा जैनब, समझ गए तुम? अरे मैं कुछ नहीं कहूंगी पापा, हम ऐसी बातें बाहर के लोगों के बीच में नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमने भी कभी नहीं की है, और ये सारी बातें एमिर की वजह से ही सलामत है। उसने इस राज को घर वालों के बीच ही रहने दिया है। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो अच्छा होगा। चिंता मत कीजिए, आपका सीक्रेट मेरे पास सेफ है। तो बस इतना ही? आप सिर्फ बस काम ही करना चाहती हैं? नहीं, बस वो करने जो हक मेरे पापा का है। मेरा मतलब है कंपनी में जो हक मेरे पापा का है। लेकिन वो कंपनी तो मेरी है। लेकिन मैं वहाँ की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शेयर होल्डर हूँ। हाँ, आप वहाँ की शेयर होल्डर हैं, पर आपके पास बस कंपनी की 15% शेयर होल्डिंग है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बाद में ज्यादा नहीं मिलेगा? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ऐसे सवाल जवाब करना इतना पसंद नहीं है। मैं बस आपको जानना चाहता हूँ, क्या ये बुरी बात है? तुम मुझे जानना चाहते थे तो तुमने मेरे बारे में अब तक क्या जाना है? शायद अब मुझे अच्छी तरह जान चुके हो। अच्छा, तुम्हारी चाय खत्म हो गई है तो प्लीज गुड नाइट। बिल्कुल, आपने कहा कि मिसेस विल्डन का आपका घर खरीदने से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका यकीन मानता हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन आपने तो मुझसे कोई सवाल नहीं किए। क्योंकि मेरे पास पूछने को कुछ है ही नहीं। सवाल तो होनी चाहिए, जैसे वो घर मेरे डैड ने क्यों खरीदा। एक्सक्यूज मी, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको नहीं पता कि वो घर मेरे डैड ने मिसेस विल्डन के लिए खरीदा है। मुझे लगता है कि आपका घर आप मेरे डैड की वजह से खरीद नहीं पाई। मैं बस यही चाहता था कि आपको सारी सच्चाई पता हो। मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। आपको जल्दी समझ आ जाएगा। गुड नाइट, चाय के लिए शुक्रिया मौसी जी। तुम्हें देखकर एक पोयम लिखना चाहता हूं मैं। मुझे नहीं पता था तुम पोयम्स भी लिखते हो। नहीं, मैं नहीं लिखता, लेकिन तुम लोगों से वो भी काम करवा सकती हो जो उसने करने के बारे में कभी सोचा नहीं।
ऐसी चीज है जिसकी उम्मीद भी ना की हो। ऐसी चीजें जिस पर वो बाद में पछताए। मैं नहीं पछता रहा। क्या तुम वो दोबारा करोगे? क्या तुम मुझे फिर से किस करोगे? ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए मना कर रहा हूं तुम्हें। तुम फिर मुझसे दूर हो रहे हो। अगर मैं साथ होता तुम्हारे तो दोबारा करता। क्या कोई चॉइस नहीं है? नहीं, अफसोस कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार हूं इसलिए मुझे चुना, और मेरे पास तो तुमने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। लेकिन अगर तुम्हें कोई और लड़की मिल गई और वो मुझसे बेहतर निकली तो क्या करोगे? तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये प्यार है, और अगर ये प्यार है तो मैं तुम्हें किसी दिन तकलीफ जरूर दूंगी केमाल। तुम तब क्या करोगे जब तुम्हें कोई मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी केमाल, जो तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखे? तुम फिर भी उसे चुनोगे क्या? मैं तुम्हें ही चुनूंगा, चाहे वो लड़की मुझे कितना भी खुश रखे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी केमाल। अगर मैं तुम्हें दुख पहुंचा रही होगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। तो तुम इसीलिए यहां आई हो ताकि तुम मुझसे दूर चली जाओ, है ना? मैंने खुद से ये वादा किया था, मैंने तुमसे वादा किया था। मैं तुम्हें कभी अपसेट नहीं करूंगी। नहीं, तुम अपसेट नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें खुश भी नहीं कर सकती। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम खुश रह सकते? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकती है, तुम्हें होना होगा। क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है क्या? तुम्हें मेरे बगैर खुश रहना होगा केमाल। हमेशा के लिए। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद मुझे खुश रहने का मौका फिर कभी मिलेगा। तुम मुझे कुछ बोलती नहीं, बस रोती रहती हो। बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं हमेशा वही करती हूँ जो जरूरी है। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम्हें ये करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस है?
नहीं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ है? उसकी गाड़ी कंपनी के सामने ही है भाई, अगर उन्हें कुछ दिखाई दिया तो वो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। दोबारा से टारगेट बनाना पड़ेगा। ये प्लेयर पीछे जाता हुआ और मिस्टर केमाल, तारिक अभी घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया था। समझ में नहीं आता आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आप उस रात तारीख के साथ नहीं थी। मैंने झूठ नहीं कहा। आप उसे बचा रही थी, पर आपको अंदाजा नहीं है कि आप जिससे बचा रही हैं वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, मैं उसे बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। अगर आप उनसे प्यार करती हैं तो मेरी मदद करनी होगी। लेकिन मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? अच्छा बताइए, क्या उस रात आपको तारिक भाई की कोई भी बात अजीब लगी थी? मतलब वो आपसे कुछ बात बताना चाह रहे हो या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं उनका भाई हूं, आप प्लीज मुझे सच बताइए, मैं उनकी भलाई के लिए ये जानना चाहता हूं। मुझे लगता है मुझे आपको कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। प्लीज बताइए मुझे। जरा रुकिए। उसने उस रात ये कपड़े पहने थे, मुझे बाद में समझ आया कि क्या जब मैंने ये देखा तब मैंने इसे धोया नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
आप भाई को मत बताइएगा। मैं उसे नहीं बताऊंगी। थैंक यू। मिस्टर केमाल, क्या तारिक मुसीबत में है? उम्मीद है कि ऐसा ना हो। हेलो, उसे वो दे दिया है। बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है बानू। क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तारिक को बेवकूफ बनाया। चिंता मत करो, प्यार में सब भुला दिया जाता है। तुम्हारे भाई का नसीब तुम्हारे हाथ में है। देखते हैं हमारा हीरो इस बार क्या करता है, वो सही करता है या गलत। भाई, क्या बात है? मैं अब खत्म हो गया। फिनिश्ड। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तारिक, मैं कितने दिनों से सबूत ढूंढ रहा हूं। मैं अपने दिल में कोई डाउट नहीं रखना चाहता था। इस चक्कर में कितने दिनों से ठीक से सोया भी नहीं हूं। तो फिर क्या तुम्हें शक करने के लिए किसी चीज की जरूरत है? मुझे ऐसे सबूत चाहिए जो मेरे भाई से ना जुड़े हो। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उस रात के बानू के कैमरे की डिटेल्स और कैरन की मौत का सच भी इसी में है। मतलब कि मेरे भाई ने उसे मार दिया। पता नहीं, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं जानता हूं यह सब बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्त होने के नाते मैं आपसे सच कहना चाहता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि भगवान पर भरोसा रखो। तो तुम यह कहना चाहते हो कि यही सच है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बिना पूछे कुछ पता नहीं चलता। मैं उनसे दोबारा पूछूं, उन्होंने झूठ कहा तो? वो तुम्हारा भाई है केमाल, अगर वो झूठ बोलेगा भी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा और तुम उसे पकड़ लेना। ये बात तो तुमने सही कही, झूठ बोलेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। फिर तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें जवाब पसंद नहीं आया तब तुम क्या करोगे?
क्या तुम अपने ही भाई को अपने हाथों से जेल भेज पाओगे? मैंने इनसे कहा कि आप बिजी हैं सर। मैंने इसकी बात नहीं सुनी, इसकी कोई गलती नहीं। तुम जा सकती हो। मिसेस लैला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसी हैं? मैं यहाँ स्वागत कराने नहीं, कुछ कहने आई हूँ। क्या? आपने मेरा घर मेरी बहन के साथ खरीद लिया। मैंने सुना कि आपने सारे पैसे लगाए हैं। मैं बस आपको ये कहने आई थी कि मैं मेरा घर फिर खरीद लूंगी। ये रही पहली बात। मैं दूसरी बात भी सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट में अपने 15% शेयर्स के साथ लौटी हूँ, लेकिन विल्डान को मेरे घर का हिस्सा नहीं बल्कि मेरा सब कुछ चाहिए, और मुझे कंपनी में मेरे सारे शेयर्स चाहिए जिसमें विल्डान का 15% भी शामिल है, और मैं ये लेकर रहूंगी। ये दूसरी बात है। मिसेस लैला, ओ मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे अपना दुश्मन मत समझो। अपने घर के बाद अपने शेयर्स मत खो बैठना। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं विल्डान की तरह नहीं हूँ। मैं आपसे भीख मांगने नहीं आई। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही, लेकिन आपको आपका घर मुझसे ही खरीदना पड़ेगा। बेशक मैंने विल्डान की मदद की है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे आपका घर बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए। तो अब सिर्फ विल्डान मेरी दुश्मन नहीं है, मेरे सामने आप भी हैं। ये तो सब आप पर है। आप अगर चाहें तो हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हम जरूर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे इस बात पर शक है मिस्टर गालिब। अच्छा हुआ तुम्हारी जाने से पहले आ गई। तुम ही तो हो जो एक परफेक्ट टाइमिंग रख सकती हो। बस्ती की लड़की जो हर कमरे में घुस जाती है। बंद दरवाजे के पीछे कई सारे राज छुपे हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, तब देखिएगा जब इस घर के दरवाजे खोलना शुरू करूंगी। इस लड़की का कॉन्फिडेंस तो देखो, इसे लगता है कि ये मुझसे बदला लेगी। किसी को अपनी मुट्ठी में कैसे बंद करते हैं मिस्टर एमिर? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा आपको तो सबसे बेहतर तरीका पता होगा, क्योंकि आपने इस परिवार को अपनी मुट्ठी में बंद करने की पहली चाल चल दी है। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है? मैं आपको समझाती हूँ। लड़के को लड़की के परिवार का एक राज पता चलता है, फिर लड़का लड़की से शादी करने की बात करता है। बेचारी लड़की मान जाती है। इस कहानी का नाम है शादी बंद दरवाजे के पीछे।